वेलकम टू द चैनल। तो भाइयों, कल मैनचेस्टर यूनाइटेड वॉज इन न्यूकासल का कराबाओ कप का फाइनल है वेम्बली के अंदर। दोनों ही टीमें, अगर यूनाइटेड की बात करें तो तकरीबन 7 साल हो चुके हैं उनको टाइटल जीते हुए लास्ट, और अगर क्या नाम है न्यूकासल की बात करें वो तो 67 ईयर्स से कोई टाइटल ही नहीं जीते, खासतौर पर डोमेस्टिक कप कोई भी। तो दोनों ही टीमें काफ़ी मोटिवेट होंगी इस टाइटल को जीतने के लिए, कराबाओ कप को, जो कि देखने में तो इतना बड़ा टाइटल या इतनी इसकी वो नहीं है, लेकिन जो है जब आपकी कोई दोनों टीमें जो किसको खेलेंगी फाइनल को, अगर वो कुछ ट्रॉफी ही ना जीते हों रिसेंट ईयर में, तो उनके लिए बहुत बड़ी डील है उनकी फैन बेस के लिए, ख़ास तौर पर न्यूकासल के लिए, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा साल होगा उनको कोई सिल्वर बेल्ट जीते हुए। तो काफ़ी अच्छे मैच की कल उम्मीद है। अगर दोनों टीमों की बात करता हूँ, यूनाइटेड की टीम जाहिर सी बात है फेवरेट नज़र आ रही है इस वक्त, क्योंकि जिस तरह उनके फ्रंट प्लेयर्स और उनके डिफेंड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है, और एरिक टेन हाग ने जिस तरह से टर्न अराउंड करा यूनाइटेड का सीज़न, काफ़ी अनरियल है ये किसी भी मैनेजर के लिए, तो हमें काफ़ी क्रेडिट देना पड़ेगा एरिक टेन हाग को। और जिस तरह एरिक टेन हाग ने मिड वीक में और उनकी टीम ने बार्सा को आउट करा है यूरोपा लीग से, तो काफ़ी और कॉन्फिडेंट टीम फील कर रही होगी कि इतनी बड़ी टीम को हमने नॉकआउट करा है यूरोपा लीग से, तो यूनाइटेड के लिए काफ़ी बड़ी बात है और ये प्रोग्रेस हो रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड कल ये ट्रॉफी जीतता है तो एक स्टेप अहेड होगा यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के लिए। अगर रिसेंट ईयर्स में उनकी ये देखा जाए कि वो कोई ट्रॉफीज़ के लिए फाइट भी नहीं कर पा रहे ना जीत पा रहे हैं, तो काफ़ी यूनाइटेड फैंस के लिए जो है और यूनाइटेड टीम के लिए अच्छी बात होगी, और काफ़ी उनका स्टेप फॉरवर्ड होगा एक जो जिस तरफ वो ले जाना चाह रहे अपने क्लब को, वापसी विनिंग बेस की तरफ, जब वो टाइटल्स के लिए लड़ा करते थे, टाइटल्स के लिए फ़ाइट किया करते थे और चैंपियंस लीग में फ़ाइट करते थे, जीतते थे उनको, तो काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे यूनाइटेड फैंस। और दूसरी तरफ न्यूकासल की बात करता हूँ तो न्यूकासल के भी फैन बेस जो है काफ़ी एक्साइटेड है कल का मैच जीतने के लिए, और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड बिल्कुल फार अहेड फेवरेट है न्यूकासल से। न्यूकासल की जो रिसेंट फॉर्म है वो भी काफ़ी अच्छी है इस वक्त, और टॉप 4 की पोजीशन के अंदर वो लड़ रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो काफ़ी अच्छी फॉर्म उनकी चल रही है न्यूकासल यूनाइटेड की भी। बस यही बात है कि उनके दोनों कीपर अपने मिस कर रहे हैं, फर्स्ट चॉइस जो उनके डीन हैंडरसन थे निक पॉप जो उनके गोल कीपर थे वो उसको मिस कर रहे हैं, जो उन्होंने रेड कार्ड लिया मोहम्मद सालाह के ऊपर लास्ट मैच में, और जो उनके सेकंड चॉइस थे वो कप्टन हैं डिब्राफ्का, क्योंकि वो यूनाइटेड के कीपर हैं अब, तो वो भी फेस नहीं कर सकते यूनाइटेड को, तो दोनों ही मेन कीपर वो हैं नहीं टीम के अंदर, और जो है जो कल का फाइनल खेलेंगे वो नन अदर देन लॉर्ड कैरियस खेलेंगे कल का फाइनल, जो कि लिवरपूल के फॉर्मर गोल कीपर हैं। अगर आपको याद हो उनके कारनामे रियल मैड्रिड के खिलाफ 2018 में, जिस तरह से उन्होंने जिस मैनर से उन्होंने दो गोल कंसीड किए थे कि बेंजिमा को सीधी सीधी बॉल उन्होंने हाथों में दे दी थी जिसकी वजह से, और एक गोल उनके हाथ से निकल गया था गैरेट बेल वाला, तो काफ़ी बुरी यादें हैं उनके लिए, और क्या नाम है वो भी अपने रिडेम्पशन करना चाहेंगे। और ऐसा नॉर्मली हो जाता है कि जब आपके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म और सब कुछ हो रहा हो कि सारा मीडिया और सब आप पे उंगली उठा रहे हो कि आप किस तरह परफॉर्म करो, क्योंकि आपकी टीम एक अच्छी फॉर्म में है, बट आपको अपने कीपर पे डाउट है, तो हो सकता है लॉरिस कैरियस जो है वो कल अपना प्रोबेबली अपने करियर का बेस्ट मैच खेलें और शायद अपनी टीम को जितवा दें, ऐसा होता है फुटबॉल में, तो ये नॉर्मल चीज़ है। तो काफ़ी एक्साइटिंग होगा कल का मैच, और कांट वेट कि कौन टीम जीतती है। ऑफकोर्स यूनाइटेड फेवरेट है एज अ फैन बेस, एज अ क्लब यूनाइटेड फार अहेड है न्यूकासल यूनाइटेड से, और काफ़ी फेवरेट होगा कल का, और काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रही होगी टीम। और रैशफुट जिस तरह फॉर्म में चल रहे, डाउट है लेकिन मुझे नहीं लगता वो खेलेंगे, मुझे इतना वो है कि कोई माइनर इंजरी थी तो, लेकिन स्टार्ट करेंगे कल का मैच, तो देखते हैं किस तरह रैशफुट और उनकी टीम जो है कल यूनाइटेड को टाइटल जिता पाती या नहीं जिता पाती काफ़ी सालों बाद, या न्यूकासल यूनाइटेड 67 ईयर्स बाद जो है ये टाइटल जीतती है, तो ये कल ही पता चलेगा। और दूसरी तरफ बात करते हैं अपना बार्सा वर्सेस अल्मेरिया के मैच की, तो बार्सिलोना जो है यूरोपा लीग से कट गया राउंड ऑफ 32 में, और काफ़ी मायूसी है बार्सा फैन में, और आई एम ऑल्सो डिसअपॉइंटमेंट कि जिस मैनर से बार्सा बाहर हुआ, हम लोग जो है क्योंकि हम काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे थे लीग के अंदर, और फिर इस तरह से परफॉर्म करना यूनाइटेड के अंदर, यूनाइटेड के दोनों मैचेस के अंदर, तो काफ़ी
स्टैंडर्ड वाली परफॉर्मेंस नहीं थी बार्सा के स्टैंडर्ड के हिसाब से, काफ़ी लो परफॉर्मेंस दिखाई हमने दोनों लेगों के अंदर, जो हमें कॉस्ट पड़ी और कुछ शावी के डिसीजन थे जिसकी वजह से हमें ये टाइटल हमें यूरोपा लीग से बाहर होना पड़ा। खैर यूरोपा लीग और चैंपियंस लीग कोई मेन टारगेट था भी नहीं बार्सा का इस सीज़न। सीज़न के स्टार्ट से हमने सुना था प्रेजिडेंट और शावी के मुँह से कि हमें जो है सीज़न लालीगा मस्ट है, लालीगा मस्ट जीतनी है और कॉपा डेल रे और दोनों ही कंपटीशन में वेल एंड ट्रूली अलाइव हैं और ख़ास तौर पे लालीगा में 8 पॉइंट्स की लीड है, तो टीम काफ़ी हो सकता है थोड़ी बहुत उनकी डिसअपॉइंटमेंट हो लेकिन होपफुली टीम रिकवर करे क्योंकि रियल मैड्रिड भी काफ़ी फॉर्म में दोबारा से आ चुका है और जो है टाइटल के लिए वो अपनी पूरी जान मारेंगे। तो बार्सा को कल का अल्मीडिया से जो है मैच को जीतना चाहिए। अल्मीडिया जो है वैसे तो रेलिगेशन जोन में चल रहा है इस वक्त, लेकिन जो है उनकी टीम होम ग्राउंड में काफ़ी उनके अच्छे रिजल्ट हैं जो मैंने चेक करें और काफ़ी अच्छा होम में अपने तकरीबन वो 6-7 मैचेस जीते हैं इस सीज़न। अवे मैच में शायद वो इतने अच्छे ना हो लेकिन होम में तो अच्छे हैं और आपको पता है होम के अंदर हर टीम ही इस वक्त जो है अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश करती है अपने फैंस के सामने, तो काफ़ी टफ होगा अल्मीडिया का मैच बार्सा के लिए अगर शावी ने सर्जी रोबर्टो को जगह ना दी टीम में और होपफुली बुस्केट दियोंग और गावी की मिडफील्ड खेले और आगे वो फ्रंट थ्री प्रॉपर खिलाएं फ्रांट टोरेस और जो है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की और राफिनिया, सो शायद इतनी मुश्किल ना हो बार्सा को। तो होपफुली बार्सा कल का मैच जीते और जो है 8 पॉइंट की लीड रियल मैड्रिड के ऊपर रखे, क्योंकि अगर बार्सा ने पॉइंट ड्रॉप करे तो काफ़ी सारे मैचेस अभी बचे हैं लीग के अंदर और जो है काफ़ी ये कॉस्ट पड़ सकता है बार्सा को टाइटल अगर बार्सा ने ये पॉइंट्स कल ड्रॉप करे और क्योंकि आगे टफ मैचेस आ रहे हैं बार्सिलोना के लिए और क्लासिको भी आ रहा है, तो होपफुली बार्सा 8 पॉइंट की लीड रखे कम से कम भी रियल मैड्रिड को फेस करने से पहले। सो होपफुली बार्सा कल जीते भाई। और जो है दूसरे जो फ्रेंच लीग में भी बहुत इंटरेस्टिंग मैच है कल, लियोनेल मेसी की जो पीएसजी है वो कल मार्सेय को फेस करेगी अवे मैच में, तो काफ़ी सालों बाद जो है मार्सेय की टीम जो है किसी टाइटल में फाइट कर रही है, इतना क्लोज है तकरीबन 5 पॉइंट बिहाइंड है इस वक्त पेरिस से, लेकिन अगर कल का मैच वो मार्सेय ने हरा दिया पेरिस को तो वो लीड काफ़ी कम हो सकती है और 2 पॉइंट्स की रह सकती है। और जिस तरह पेरिस इस वक्त फॉर्म में चल रहा है, काफ़ी अच्छी फॉर्म नहीं है इस वक्त सीज़न में, तो हो सकता है कल मार्सेय उनको हरा दे और टाइटल के अंदर कमबैक कर ले अपना। तो 2010 आई थिंक लास्ट ईयर था जब मार्सेय टाइटल जीता था और अब जाके काफ़ी अच्छी फॉर्म दिखा रहे हैं और अलेक्सिस सांचेज यू नो आर्सेनल के फॉर्मर प्लेयर काफ़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। कुब्ती फ्रांस से जो है पेरिस को उन्होंने बाहर भी करा इस सीज़न, तो काफ़ी प्रेशर पेरिस के ऊपर भी है, पेरिस के प्लेयर्स पे और ख़ास तौर पे गैल्टियर के ऊपर, क्योंकि जो साइनिंग्स करी समर उन्होंने बिल्कुल भी अपने आप को प्रूफ नहीं करा, अपनी वर्थ प्रूफ नहीं करी, क्योंकि अगर आपको यूसीएल के लिए टाइटल के लिए या चैंपियंस लीग के लिए लड़ना है और यूरोपियन कप जीतना है तो आप उसके लिए एक प्रॉपर टीम बनाते हो, लेकिन उन्होंने बस जो मिला वो लेकर आ गया। ख़ास तौर पे तीनों मिडफील्डर विटिनिया फेबियन रोइज़ और कार्लो सोलर तीनों के तीनों अपना उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए और विटिनिया और मेसी का तो क्लैश भी हो गया था ट्रेनिंग के अंदर, तो मेसी ने काफ़ी इनको डांटा कि भाई तुम किस तरह से क्या कर रहे हो। तो ड्रेसिंग रूम के हालात अगर पेरिस की बात करें तो गुड इनफ कभी भी नहीं रहे, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई मसले, क्योंकि इतने सुपरस्टार जब आपकी टीम में होते हैं तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है वहाँ पे, तो डेट्स वाई दे आई डोंट नो व्हेन विल दे विन द यूरोपियन कप। तो काफ़ी मुश्किल होता है ऐसी टीमों के लिए कि जहाँ बस आप पैसे लगा के अपने प्लेयर साइन करें यारो और एक क्लब की कुछ वैल्यूज होती हैं उन चीज़ों पे नहीं चलोगे तो आप इस तरह से आप सक्सेसफुल क्लब यूरोप में के अंदर ख़ास तौर में नहीं बन सकते। पैसे लगा के आप लीगों में तो जीत सकते हो लेकिन यूरोपियन कॉम्पिटिशन के लिए आपको एक प्रॉपर हिस्ट्री चाहिए या अगर नहीं है तो आपको बनानी पड़ती है, आपको वैल्यूज डालनी पड़ती है क्लब के अंदर। सो इसी तरह से आपको सक्सेसफुल हो गए आप यूरोपियन कॉम्पिटिशन में। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है और मेसी ने शायद मार्सेय पे गोल्स मारे भी नहीं है कभी, तो होपफुली मेसी कल अच्छा मैच खेला, अपना लास्ट मैच में फ्री किक करके जितवाया था, इतना अच्छा खेला नहीं था उन्होंने लेकिन फ्री किक मारी थी लास्ट मैच में, तो होपफुली कल का मैच मार्सेय पे अच्छा करे क्योंकि नेमार भी इंजर्ड है तो एम्बाप्पे मेसी का डियो जब जब खेलता है तो अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो होपफुली कल इंटरेस्टिंग मैच हो देखने के लिए क्योंकि अवे ग्राउंड में काफ़ी हॉस्टाइल एटमोसफेयर होता है वहाँ का और हमेशा रेड कार्ड्स तो होते ही होते हैं उस मैच में, क्योंकि काफ़ी डर्बी जैसे एल क्लासिको बार्सा रियल मैड्रिड का उसी तरह की डर्बी है और काफ़ी फैंस उनके बहुत मोटिवेट होते हैं दोनों टीमों के और जो है अच्छे मैच की उम्मीद है। दोनों टीमें ही फॉर्म में हैं तो होपफुली एक क्लासिक मैच हो क्योंकि उसको कहते भी क्लासिक हैं वहाँ पे फ्रेंच लीग के फ्रेंच लोग जो हैं, तो होपफुली कल हमें एक्साइटिंग मैच देखने को मिले और मेसी और एम्बाप्पे अच्छा परफॉर्म करें टीम को जीतें। तो यार अगर प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।